इस वीडियो में हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, मेथड्स देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये कैलकुलेशन में कैसे यूज होता है फिजिक्स में वो भी देखेंगे। कई लोग इसमें से आईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लाया है आईटी जेई मेगा कॉम्बैक, जो कि 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे होने वाली है। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, जस्ट गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें सारे एमसीक्यू होंगे जो कि लेटेस्ट आईटी जेई पैटर्न पर डिजाइन किए गए हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, टॉप 3 रैंकर्स को मेडल के साथ सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं और बाकी लोगों के लिए भी जीतने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास 11, 12 एंड 13 के लिए सेपरेट कॉन्टेस्ट रखा गया। 21 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट मिलेगा और रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक आप देख पाओगे। इस कॉम्बैक के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। और हाँ, ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, PRKU10 PRKU10। और अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी चैंपियंस लीग भी करवा रही है, जिसमें आपको सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका भी मिल सकता है। टेस्ट शुरू होगा 18 से, याद कर लो, रिमाइंडर लगा लो और ये कोड PRKU10 अभी लिख लो। इतना अच्छा मौका हाँ समझ जानो तो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 11th में हो आप और रिवीजन चाहिए आपको, या 12th प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर पीछे का कोई चैप्टर छूट गया है, तो 15 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है जहां आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। तो फिर बैच ज्वाइन करें और मेरा कोड यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट का लाभ उठाइए। स्ट्राइकर बैच भी आपके लिए, जिसमें 4 महीने का रिवीजन कोर्स है जेई मेन एंड एडवांस के लिए। टॉप एजुकेटर्स आपको रिवीजन कराएंगे और साथ में लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। रैपिड रिवीजन 2.0 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां प्रॉब्लम सॉल्व और कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको भी फिजिक्स में इस तरह के कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, ठीक, 2, 4, 6, इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका टेबल लिखो, ठीक, यानी मल्टीपल लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक। फिर 4 का लिखते हैं 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, डैश डैश ये आगे बढ़ते रहेगा। फिर 6 का लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, डैश डैश ये आगे बढ़ते रहेगा। अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन मल्टीपल कौन है, यानी तीनों के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि 12 यहाँ पे तीनों में दिख रहा है, यहाँ भी है 12, 4 में भी 12 है और 6 में भी 12 है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 24 यहाँ पे कॉमन है, यानी 24 भी यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ऐसे करके आगे बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, ठीक। लेकिन सबसे छोटा जो है, लिस्ट जो है, वो 12 है। इन तीनों में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 12 है, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 2, 4, 6 का एलसीएम हो गया 12, यानी वो छोटा सा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है। दो तरीका है एलसीएम निकालने का। सबसे पहला तरीका है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, डिवीजन मेथड को। जैसे हमको एलसीएम निकालना है 4, 6, 8, 20 का, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं जो इसको मैक्सिमम काट सकता है। जैसे कि यहाँ पर 2 से ये चारों कट जाएगा, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, और ये 10 बार में कटेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर ये 2 से कट सकता है, ठीक, ये 2 से कटेंगे यहाँ पे, 2, 1 जा 2, ये नहीं कटेगा तो ऐसे उतार देना है, ठीक, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मिनिमम आपको 2 को काट सके, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब हमारा
एलसीएम हो जाएगा, बाहर में जो भी नंबर है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4 × 3 = 10, कितना हो जाएगा 120, ठीक। तो एलसीएम इसका हो गया 120, यानी 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, कट जाएगा। सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको देखिए कैसे इससे एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 54 and 60, इसका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा बाई पीएफ मेथड शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना होगा, तो साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, अब नहीं होगा, ठीक है, 3 से 1 बार में। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3, ये हो गया इक्वल टू, अब इसको हटा देते हैं, अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 का पावर 2 × 3, ठीक है। 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे पावर 2 आया है। फिर उसी तरह से 54 का भी फैक्टराइजेशन आप करोगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 का पावर 3, ठीक है, 3 बार है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसलिए 3 का पावर 3 हो गया। उसी तरह से 60 को भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ये 2 बार है तो 2 का पावर 2 × 3 × 5। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो सारे नंबर्स का हाईएस्ट पावर देखना है, जैसे कि 2 का यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितना तक गया है, 2 तक गया है, तो वो 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख लेना है। फिर 3 को देखिए, 3 का हाईएस्ट पावर कितना तक गया है, 3 का पावर 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का पावर 3 × 5 का हाईएस्ट पावर, 5 अकेला है और उसका पावर 1 है हाईएस्ट, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 का पावर 3 = 27 × 5, ये हो जाएगा 20 × 27 = 540, इसका एलसीएम हो गया 540, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है, इसको डिवीजन मेथड से चेक करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले 2 से लगाते हैं 6 बार में, ये हो जाएगा आपका 27 बार में, ये 30 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ 2 से लगा सकते हैं क्योंकि 6 और 30 दोनों 2 से कट जाएगा, मिनिमम 2 नंबर कटना चाहिए, ये हो जाएगा 27 उतरेगा और ये 15 बार में, ठीक है। अब ये तीनों नंबर 3 से कट जाएगा, 3 से, तो 3 से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 5। अब कोई नंबर नहीं है जो ये दोनों को काट सके, तो बाहर वाले नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 9 × 5। अब ये हो जाएगा 4, 12, 60 और 60 में 9 से गुना होगा 540, सेम आंसर आ गया, यानी ये हम लोग का एलसीएम सही है। अब इस तरह के एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से देखिए। फाइनल एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम 8x² + 3y² + 5 + 24x² + 5y² = 4, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो 8 और 24, ठीक है, ये 8 और 24 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ लगाते हैं 2 से 4 बार में और ये 12 बार में, और यहाँ पे डायरेक्ट 4 से लगा लेते हैं, 4 से 1 बार में और ये 3 बार में, 2 × 4 = 8, 24, इसका एलसीएम आ गया 24। अब वेरिएबल्स को देखिए, यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा x का कितना है तो 5 है, तो यहाँ पे x² = 5 आ जाएगा। फिर y को देखिए, y का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 5 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। यही हो गया आपका एलसीएम,
बस आपको हाईएस्ट पावर वाले को बाहर कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एलसीएम निकालना है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का हम लोग एलसीएम देख रहे हैं, तो फाइंड एलसीएम ऑफ 5x माइनस 10 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 20, इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 5x माइनस 10, इसको लिख लेते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। ये 5 यहाँ से कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर में रहेगा x माइनस 2, ठीक। फिर इसको देखते हैं फैक्टराइज करके, 5x स्क्वायर माइनस 20, इसका 5 कॉमन आ सकता है बाहर, तो यहाँ 5 बाहर कर लेते हैं, अंदर में रहेगा x स्क्वायर माइनस 4। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ सकता है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 बाहर रहेगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब हमको इतना में पता करना है एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 आ गया बाहर, एक्स माइनस 2 का हाईएस्ट पावर भी 1 ही है तो ये भी इसी तरह से आ जाएगा एक्स माइनस 2, फिर एक्स प्लस 2 की बारी है, एक्स प्लस 2 भी अकेला है, इसका भी पावर हाईएस्ट 1 है, तो ये भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम पूरा, ठीक। इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जिस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस 3x, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर, अंदर में रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई प्लस 1 ए प्लस बी वाई माइनस 1 ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस 3x। अब देख रहे हो कि एक्स तीनों में कॉमन है, तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक, एक्स बाहर हो चुका है, ये हो जाएगा 2y माइनस 3, ठीक, एक्स बाहर निकल गया है, माइनस 3 बचेगा, एक्स है बाहर। अब इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे गुना करने पे 3 आना चाहिए माइनस में और घटाने पे माइनस 2 आना चाहिए, तो 3 और 1 ऐसा दो नंबर है जिसको गुना करने पे 3 आ जाएगा और घटाया जाए तो माइनस 2 आ सकता है। तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, ध्यान से देखिए, गुना करने पे माइनस 3 आ रहा है। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे, y अंदर में रहेगा माइनस 3 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3। अब x यहाँ पे बाहर है, y प्लस 1 को एक साथ लिख दीजिए, y प्लस 1 और ये y माइनस 3 को एक साथ लिख लीजिए, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आया था फैक्टराइजेशन, x इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन था। अब इसमें एलसीएम हमको निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है x का, यहाँ पे x का कितना पावर हाईएस्ट गया है, तो x का पावर हाईएस्ट 2 गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का पावर 2, फिर y प्लस 1 का हाईएस्ट पावर 1 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं y प्लस 1, फिर y माइनस 1 भी अकेला है और इसका हाईएस्ट पावर 1 ही होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं y माइनस 1, फिर y माइनस 3
ये भी अकेला है तो इसका भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, ये हो गया वाई माइनस 3। ठीक है, ये एलसीएम हो गया इसका। सबका आपको हाईएस्ट पावर देख लेना है, सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर है एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, फिर है एक्स प्लस 5 और है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सारे फैक्टर्स का आपको हाईएस्ट पावर निकाल लेना है। ठीक है, वही इसका एलसीएम होगा। शुरुआत करते हैं एक्स प्लस 3 से। एक्स प्लस 3 का सबसे हाईएस्ट पावर आपको देखना है, यहाँ से शुरू करो। एक्स प्लस 3 आप देख रहे हो कि इसका पावर 2 है, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इन सारे में एक्स प्लस 3 का पावर सबसे ज़्यादा 2 तक गया है। फिर एक्स प्लस 5 को देखो आप, एक्स प्लस 5 का पावर, ये एलसीएम निकाल रहे हम लोग, एक्स प्लस 5 का पावर आप चेक करो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 है, 2 हाईएस्ट गया है। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 का पावर 2 हो गया। फिर शुरुआत करते हैं एक्स प्लस 7 का। एक्स प्लस 7 में देखो, यहाँ पे पावर 2 ही है जो सबसे हाईएस्ट गया है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर देख लो आप, कोई छूटा तो नहीं है, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 2x² माइनस एक्स माइनस 1 एंड 4x² प्लस 8x प्लस 3, इसका एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले इसको आपको फैक्टराइज करना होगा, दोनों को आपको फैक्टराइज करना होगा, फिर एलसीएम निकलेगा। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, 2x² माइनस एक्स माइनस 1, इसका फैक्टराइजेशन आप देखो, फिर आते हैं इस पर। जैसे है 2x² माइनस एक्स माइनस 1, मैंने आपको बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी गुना करने पे 2 आना चाहिए और घटाने पे माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करिए, तो ये हो जाएगा 2 और 1, माइनस 2x लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखना होगा प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, घटाने पे माइनस एक्स आ रहा है, घटाने पे माइनस एक्स आ रहा है, गुना करने पे माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x को कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, अंदर में वैसे ही रहेगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 को एक साथ लिख लीजिए, यानी ये बाहर हो गया, कॉमन हो गया, और अंदर में बचेगा 2x प्लस 1, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये आप याद रखो, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन क्या आया था, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 4x² प्लस 8x प्लस 3, इसका भी फैक्टराइजेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर आते हैं इस पर। यहाँ पे है 4x² प्लस 8x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 12, यानी दो नंबर फाइंड करिए जिसको गुना करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे 8 आए। तो इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो नंबर आ गया 2, 2, 3। अब 4 और 3 नहीं होगा, ठीक, फिर हो जाएगा 6 और 2, वो दो नंबर है जिसको जोड़ने पे 8 आएगा और गुना करने पे 12 आएगा। तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे 6 और 2 में। ठीक है, 6x प्लस 2x प्लस 3। ठीक, अब यहाँ से 2x कॉमन हो सकता है, तो 2x को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में बचेगा 2x प्लस, यहाँ से 2 बाहर हो चुका है, x बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, अंदर में रहेगा 2x प्लस 3।
अब 2x+3 कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, 2x+3 बाहर आ गया, अंदर में बचेगा 2x+1, यानी ये फैक्टराइजेशन हो गया 4x² + 8x+3 का, ठीक है, ये फैक्टर्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं फैक्टर्स को, कितना आया था 2x+3 × 2x+1, ये फैक्टर्स हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है, ठीक, इसके लिए आपको सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर देखना है। तो सबसे पहले 2x+1 को देखिए, 2x+1 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2x+1 यहाँ पे लिख लिए। फिर x-1 को देखिए, ये अकेला है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे x-1 को लिख लिए। फिर 2x+3 बचा हुआ है, तो इसका भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, अकेला है, तो 2x+3 इसको भी हम लोग लिख लिए। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है, इसमें सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना है, किसी को छोड़ना नहीं। अब देखिए कि ये फिजिक्स में हमारी कैसे मदद करता है। कभी कभी आपके पास इस तरह के कैलकुलेशन आ जाते हैं, 1/0.15 इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आप इसके डेसिमल को हटा दो, जैसे 0.6 लिखा है, इसका डेसिमल को हटाओगे तो 6/10 आएगा, और ये 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10/6 हो जाएगा, ठीक है, 10/6 हो गया। प्लस यहाँ पे डेसिमल के बाद दो अंक है, तो यहाँ पे 20 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/15, ठीक। अब आप इसको काट सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 6 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ये लगेगा आपका 3 × 3 = 6 = 5, ये हो गया 30, ठीक। इसको इसे डिवाइड करते हैं, 5 बार में लगेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से 50 हो गया, ये लगेगा 2 बार में, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। अब इसको ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 250/30, 0 से 0 कटेगा, आंसर हो गया आपका 25/3, ठीक है। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग खुद से बना के ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन 1/0.80 + 1/0.20, इसको सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 0 आएगा, ऊपर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 100/80, ठीक है। प्लस यहाँ भी 2 0 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100/20, ठीक है। अब इसको काट लो, ठीक, आप इसको काट सकते हो और तब ऐड कर सकते हो। मैं इसको बिना काटे ऐड कर रहा हूँ ताकि अच्छे से एलसीएम को समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 80 और 20 का एलसीएम लेते हैं, ये लगेगा 2 से 10 बार में, ये हो गया 40 बार में, 2 से फिर 5 बार में, और ये हो गया 20 बार में, फिर 5 से, ये हो जाएगा 5×1=5, 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 2×2=5×4, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4×20 = 8, 80 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 80, 8 है यहाँ पे, 80 हो गया इसका एलसीएम। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 500/80, ये 0 से 0 कटेगा, 50/, अब इसको चाहो तो काट सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा दोनों, इसको आप काटो 4, और ये हो गया 25, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 25/4। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो, फिजिक्स में ये हमेशा यूज होते रहता है। अब मान लो ऐसा रहे, 1/10 × 10^-2 − 1/30 × 10^-2, इसको सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले आप इसको 10^-2 को ऊपर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा, नीचे रहेगा 10, ठीक, फिर माइनस, इसी तरह से इसको भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100/30। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, काट ही लो आज, ये हो गया 10 − 10/3। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसका एलसीएम जब लोगे तो ये 3 आएगा,
ठीक, फिर 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 छुपा हुआ, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब ये सबट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 20/3। मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा खींचा है, आपको फिजिक्स में इतना टाइम नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे आप तो 10 से 5 सेकेंड में ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 2 × 10⁻⁷ × 5 × 2 × 10⁻⁶, फिर ब्रैकेट है, फिर 1/10⁻² फिर −1/5 × 10⁻²। इसको सॉल्व करना है, ये फिजिक्स से मैंने लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे है 2, 5 और 2, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 20, फिर × 10⁻⁷ × 10⁻⁹, ये पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा −8। अब यहाँ पे देखो कि 1/10⁻², दोनों में कॉमन है, 1/10⁻², दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10⁻², बाहर तो अंदर में बचेगा यहाँ पे 1 − 1/5, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो 10⁻², ऊपर जाके प्लस हो जाता है, तो 10⁻⁸ + 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका −8 + 2, ये हो जाएगा −6, ठीक, इनटू, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पे नीचे 5 है और 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम 5 हो गया, 1 × 5 = 5, −1, ये हो गया 20 × 10⁻⁶ × 4/5। अब ये 5 से 20 काट सकते हो आप, ये कटेगा 5 से 4 बार में, तो आंसर आ गया 4 × 16 × 10⁻⁶, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कभी कभी फिजिक्स में आपको इस तरह के प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाता है, जैसे 1/r − a − 1/r + a, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये एलसीएम में ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, r − a × r + a। अब इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो r − a कट जाएगा, ठीक, ये से कट जाएगा और बचेगा r + a, और r + a को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो ये आ जाएगा r + a, फिर माइनस, फिर इसको इस दोनों से डिवाइड करिएगा तो r + a कट जाएगा और r − a ये बच जाएगा, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा r − a, ठीक। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा r + a, नीचे है a + b × a − b, ये हो जाता है a² − b² यानी r² − a². अब r से r कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2a / r² − a², ये फिजिक्स में आपको कई बार देखने को मिला होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, अब है 1/r − l cos θ − 1/r + l cos θ, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है फैक्टर में, तो इसको हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा r − l cos θ × r + l cos θ। अब सेम वही काम करना है, नीचे वाले को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो r − l cos θ कट जाएगा और r + l cos θ बच जाएगा, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा r + l cos θ, ठीक, फिर माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे
तो r प्लस एल कॉस थीटा ये कट जाएगा और ये बचेगा r माइनस एल कॉस थीटा। फिर इसको वन से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है, वहीं पे ब्रैकेट को हटाते हैं, यह हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r, ये हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आर से आर कटेगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा टू एल कॉस थीटा। ठीक, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है पूरा तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। वन बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई को सॉल्व करने पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ।